आपको लेकर चलेंगे। मेहरचंद मार्केट के नजदीक ही लोधी कॉलोनी है, जहां से मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा जानते हैं दीपक रावत से कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां बुलडोजर के पहुंचने को लेकर किस तरीके की चर्चा है, कुछ जानकारी आपके पास? जी रोमाना, चर्चा तो बहुत ज्यादा है और दिल्ली के सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम इलाकों में चर्चा है, क्योंकि जो रोड मैप एमसीडी ने तैयार किया है उस रोड मैप के हिसाब से कार्रवाई होनी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, ये तस्वीरें मेहरचंद मार्केट के पास जो लोधी कॉलोनी है उसकी तस्वीरें हैं। तमाम लोग बाहर आ चुके हैं क्योंकि उनको पता चला कि बुलडोजर आएगा, बुलडोजर कार्रवाई करेगा, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था तो ये देखने आ गए। हालांकि विरोध करने कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता यहां पर जरूर पहुंच गए थे। अभिषेक दत्त जो कि दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष है वो पहुंचे थे, और उससे पहले जो सेंट्रल जोन के चेयरमैन है राजपाल सिंह वो पहुंचे थे। तो जैसा प्रतिमा बता रही है कि सुबह जब लोगों को पता चला कि आज यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है तो कुछ जो रेड़ी पटरी वाले हैं वो यहां से चले गए थे। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, जब अब एक घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इस कार्रवाई को जो शुरू होना था वो 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 12:30 बल्कि 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, तो लोग वापस अपनी रेड़ी पटरी के साथ पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। भैया आज सुबह तो नहीं थे आप? सुबह थे। तो ये आप अक्सर यहीं पे लगाते हैं? हाँ जी सर। आज जो एमसीडी की बात चल रही थी कि कार्रवाई होगी, रेड़ी पटरी वाले जितने भी उनको हटा दिया जाएगा, तो आप क्या कह रहे हैं उस बारे में? सर सुबह लगाते शाम को हटा देते हैं सर। और हाँ, लगाते सुबह हैं शाम को हटा देते हैं। हाँ जी लोग, वो एमसीडी कहती है कि इससे तो आप सड़क घेर लेते हैं। नहीं, सड़क घेर लेते हैं तो सड़क हम तो पटरी के ऊपर लगा रखे हैं। एमसीडी हमको जहाँ सही जगह दे दे हम हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी का मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। जो कार्रवाई होनी थी उसके बारे में जानकारी? हाँ जी, एक हफ्ता पहले ही जानकारी थी सर। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुँचे? अभी तक तो कोई आया नहीं सर, बाकी मीडिया आई हुई है। मीडिया आई हुई है इसलिए कुछ लोग पहले हट गए थे, लेकिन अब दोबारा देखिए यहाँ पर उन्होंने रेडी लगा दी है। मैं तस्वीरें थोड़ी आगे की दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरा में सुजीत जी से कहूंगा कि थोड़ा आगे आए। तो आप ये देखिए, ये जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क लोधी कॉलोनी की है, साई मंदिर सामने पड़ता है, उसके पीछे अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है, वहां तक इस पूरे अतिक्रमण हटाने की जो कवायद है वो चलाई जानी थी। ये जो दुकानें हैं, अब इन दुकानों के बाहर जो फुटपाथ का एरिया है, इस फुटपाथ के एरिया में ही कई सारे जो रेड़ी पटरी वाले हैं वो खड़े रहते थे, लेकिन आज आपको ये फुटपाथ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये वजह इसके पीछे की यही है कि सबको जानकारी है कि दिल्ली में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है, और जब इनको पता चला कि आज नंबर इस जगह का है, तो यहां देखिए आप, बिल्कुल पूरा स्ट्रेच खाली पड़ा हुआ है। लोगों ने यहां पर किसी प्रकार की कोई रेड़ी पटरी यहां पर लगाई हुई नहीं है। तो अब जब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कोई पुलिस फोर्स नजर नहीं आ रही है, जो अधिकारी हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। एक अधिकारी ये कहता है कि जरूर होगा, कुछ कहते हैं कि पुलिस फोर्स नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है उसको देखकर ये लग रहा है कि यहां पर शायद आज बुलडोजर नहीं पहुंच पाएगा। ABP News आपको रखे आगे। ABP News आपको रखे आगे।